प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे का आज दूसरा दिन है। G20 के 16वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी और रोम में आज शाम शुरू होगा G20 का शिखर सम्मेलन, जहां पर वो भारत की तरफ से कई मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। अगर एजेंडे की बात करें तो इस G20 में कई सारे एजेंडे हैं जिन पर बात होनी है, कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बात करनी है। इकोनॉमी बहुत बड़ा इशू है, इसके अलावा कोरोना, पर्यावरण, इन सब पर इस G20 सम्मेलन में बात होगी। लेकिन सवाल ये, मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जो इस वक्त G20 समिट को कवर करने के लिए रोम में ही मौजूद है, उनके पास सीधे चलते हैं। मनीष, G20 की मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, और उस दौर में जब भारत 2023 में G20 की खुद मेजबानी करने जा रहा है, उससे पहले कई सारी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे चाइना की दिक्कत हो, और चाहे कई सारे ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन जिनके लिए बहुत मुफीद एक प्लेटफॉर्म बन जाता है G20, कितनी उम्मीद भारत जैसे देश को इससे लगानी चाहिए और क्या लगानी चाहिए? देखिए गौरव, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि दुनिया के करीब 200 देशों में से G20 ग्रुप में भारत शामिल है, तो यही बताता है कि भारत की अपनी ताकत क्या है। और ऐसी स्थिति में भारत और भारत के प्रधानमंत्री की चाहे कोई मीटिंग हो या किसी विषय पर उनका पार्टिसिपेशन हो, वो अपने आप में बड़ा हो जाता है। हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे, लेकिन उनकी बात को ना काटते हुए मैं केवल उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि देखिये, जब प्रधानमंत्री मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात होती है तो वो मुलाकात केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं रह जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वैश्विक कद है और वैसी स्थिति में वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आज की तारीख में ये पूरा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वो हेल्थ से, इकोनॉमी से, और जो आप कहें कि आइडेंटिटी, क्लैश ऑफ आइडेंटिटी से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए पड़ी है, तो वैसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो G20 के वैश्विक मंच पर हेल्थ के विषय पर पार्टिसिपेट करते हुए बताएंगे कि कोरोना की लड़ाई में भारत ने कैसे 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, या कोरोना की लड़ाई में कैसे भारत ने दुनिया के तमाम देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, या दुनिया के तमाम देशों ने कैसे भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात है कि महामारी के बाद किस तरह से दुनिया रिकवरी कर सके, चाहे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो या फिर स्वास्थ्य के संदर्भ में हो। और एक तीसरी बात यह है कि एक ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया खेमेबाजी में बटी है, जब धर्म के आधार पर दुनिया बटी हुई है, तो आप प्रधानमंत्री, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है, और ये बात अपने आप में इस समय और इस दौर में, इस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ कोरोना की समस्या और दूसरी तरफ ग्लोबल इश्यूज हैं, और जिससे ये तीनों बातें प्रभावित होती है, जो एजेंडा है G20 का, पीपल प्रोस्पेर, प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी, इन तीनों चीजों पर असर पड़ता है।